अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वेलकम टू जाफर सर्स ई लर्निंग क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टैंडर्ड फिफ्थ एक्टिविटी नंबर 6, फाइव बिगिनिंग्स बट वन एंड। 5 अल्फाज से, मुख्तलिफ अल्फाज से शुरुआत कर एक पर इख्तिताम करना, एक कोई एक कॉमन वर्ड पर इख्तिताम करना, ये एक्टिविटी है। फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 5-7, 5-7 के ग्रुप बनाइए तुलबा के। चूज वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस एज द एंड, और मंदरजा ज़ेल जो फ्रेजेस दिए हुए हैं, फ़िक्रे दिए हुए हैं, उन्हें चुनकर आखिर में बोलिए। इनेक्ट द फ्रेज, इन फ्रेज को बोलना है, इसे इनेक्ट करना है। देन यूज इट टू फ्रेम डिफरेंट सेंटेंसेस, और इन्हें इन फ्रेज को डिफरेंट सेंटेंसेस में जो है इस्तेमाल करना है। इनेक्ट द सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को भी दोहरा कर इनेक्ट करना है, उस पर ड्रामा या अंदाज आपको पेश करना है। राइट डाउन एनी 5 ऑफ देम, और उनमें से 5 आपको अपने नोटबुक में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, स्विमिंग इन अ ट्रैक, तारा सेज स्विमिंग इन अ टैंक। तारा कहती है हाउस में तैरना, ये फ्रेज उसने कही। देन कुकू सेज आई एम स्विमिंग इन अ टैंक, मैं स्विमिंग टैंक में कर रहा हूँ, हाउस में कर रहा हूँ, टैंक यानी हाउस। देन पेडी सेज आई एम आल्सो स्विमिंग इन अ टैंक, मैं भी हाउस में स्विमिंग कर रहा हूँ। देन बिट्टू सेज वी आर स्विमिंग इन अ टैंक, हम हाउस में स्विमिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं। मिट्टू सेज ही वॉज स्विमिंग इन अ टैंक, वो टैंक में स्विमिंग कर रहा था। बट टोटो इज स्लीपिंग, ही इज सेइंग नथिंग। देन मिया सेज I hate swimming, मुझे तैरना पसंद नहीं है। There is phrases reading पढ़ना, smiling मुस्कुराना, drawing तस्वीर उतारना, swimming in a tank अभी हमने example में देखे हैं, हाउस में तैरना, crying रोना, enact भी करना है, कैरिंग अ हैवी बैग एक हैवी बैग उठाना, हैवी यानी वजनी, प्लेइंग विथ अ बॉल के साथ खेलना, लॉफिंग हंसना, ही ऐसा जिस तरह से हम हंसते हैं। नाउ वी आर मेकिंग सेंटेंसेस, फर्स्ट रीडिंग कोई सेंटेंस नंबर 1, आई एम रीडिंग मैं पढ़ रहा हूं। सेकेंड सेंटेंस वी आर रीडिंग हम पढ़ रहे हैं। थर्ड सेंटेंस यू वेयर रीडिंग तुम पढ़ रहे थे। फोर्थ सेंटेंस ही वॉज रीडिंग वो पढ़ रहा था। फिफ्थ राज इज रीडिंग राज पढ़ रहा है। देन नेक्स्ट फ्रेज इज स्माइलिंग मुस्कुराना। वन सेंटेंस आई एम स्माइलिंग मैं मुस्कुरा रहा हूं। राज वॉज स्माइलिंग राज मुस्कुरा रहा है। ही इज स्माइलिंग वो मुस्कुरा रहा है। दे आर स्माइलिंग वो मुस्कुरा रहे हैं। यू वेयर स्माइलिंग तुम मुस्कुरा रहे थे। उसी तरह राज वॉज स्माइलिंग राज मुस्कुरा रहा था।
देन नेक्स्ट फ्रेज इज ड्राइंग, उतारना। आई एम ड्राइंग, मैं शक्ल उतार रहा हूं। यू आर ड्राइंग, तुम तस्वीर उतार रहे हो। ही इज ड्राइंग, वो तस्वीर उतार रहा है। वी वेयर ड्राइंग, हम तस्वीर उतार रहे थे। नंबर 5, राज वॉज ड्राइंग, राज तस्वीर उतार रहा था। नेक्स्ट फ्रेज इज स्विमिंग इन अ टैंक, हमने यहाँ पर स्विमिंग इन अ टैंक के बारे में एग्जाम्पल में देखे हैं। उसके बाद का जो फ्रेज है, नेक्स्ट फ्रेज इज क्राइंग, यानि रोना। नंबर 1, आई वॉज क्राइंग, मैं रो रहा था। यू आर क्राइंग, तुम रो रहे हो। शी वॉज क्राइंग, वो रो रही थी। राज इज क्राइंग, राज रो रहा है। तारा वॉज क्राइंग, तारा रो रही थी। नेक्स्ट फ्रेज इज कैरिंग अ हैवी बैग, वजनी थैला या वजनी बस्ता उठाना, उठाकर लाना, ऐसा भी उसका मतलब होता है। नंबर 1st सेंटेंस इज आई एम कैरिंग अ हैवी बैग, मैं वजनी बैग उठा रहा हूँ। दे आर कैरिंग अ हैवी बैग, वो वजनी बस्ता उठा रहे हैं। ही वॉज कैरिंग अ हैवी बैग, वो वजनी बस्ता उठा रहा था। यू वेयर कैरिंग अ हैवी बैग, तुम वजनी बस्ता उठा रहे थे। वी आर नॉट कैरिंग अ हैवी बैग, हम वजनी बस्ता नहीं उठा रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेज इज प्लेइंग विथ अ बॉल, गेंद के साथ खेलना। नंबर 1, आई एम प्लेइंग विथ अ बॉल, मैं गेंद के साथ खेल रहा हूँ। नंबर 2, राज इज प्लेइंग विथ अ बॉल, राज बॉल के साथ खेल रहा है। लास्ट फ्रेज इज लॉफिंग, फर्स्ट सेंटेंस आई वॉज लॉफिंग, मैं हंस रहा था। लॉफिंग यानी हंसना। नेक्स्ट सेंटेंस यू आर लॉफिंग, तुम हंस रहे हो। ही इज लॉफिंग, वो हंस रहा है। दे वेयर लॉफिंग, वो हंस रहे थे। नेक्स्ट एक्टिविटीज इज यू आर आउट इफ यू से यस और नो, ये 7वीं एक्टिविटी है। अगर आपने यस या नो कहे तो आप आउट हो जाएंगे, इस तरह की एक्टिविटी है। फॉर्म अ सर्कल, सर्कल बनाइए, दायरा बनाइए। आस्क अ क्वेश्चन टू द पर्सन नेक्स्ट टू यू, आपके बाजू में जो खड़ा है उसे आप जो है सवाल कहेंगे, सवाल पूछेंगे उससे। इफ ही और शी answers it with yes or no, अगर वो जिससे आपने सवाल पूछे हैं जवाब यस या नो में देता है, दे आर आउट, तो वो आउट हो जाते हैं। अदरवाइज दे कंटिन्यू द गेम बाय आस्किंग अ डिफरेंट क्वेश्चन टू द नेक्स्ट पर्सन, अगर वो आउट नहीं होते हैं तो उसके बाजू वाले स्टूडेंट को उन्होंने जो है दूसरा सवाल पूछना है, और इस तरह से ये गेम कंटिन्यू जारी रहता है। यू मस्ट नॉट रिपीट द क्वेश्चंस, तुम्हें सवाल दोहराना नहीं है, अगर एक सवाल हो गया तो उसे आप इस गेम में दोहरा नहीं सकते। स्टार्ट फ्रॉम तारा, ये तारा है खड़ी हुई, तारा के बाजू में है। नेक्स्ट टू तारा इज बिट्टू, तारा जो है क्वेश्चन करती है बिट्टू, आर यू रेडी, बिट्टू क्या तुम तैयार हो। तो बिट्टू कहता है आई एम ऑलवेज रेडी, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। तो बिट्टू यहाँ आउट हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि यस या नो नहीं कहा उसने, के इसने कही कि क्या तुम तैयार हो, तो इसने ऐसा नहीं कहा कि हाँ, या ऐसा नहीं कहा कि ना,
यस और नो इसने नहीं कहा, बल्कि इसने दूसरा जो है जुमला कहा है कि मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, आई एम ऑलवेज रेडी। तो अब बिट्टू की बारी है कि उसका जो नेक्स्ट है उसे क्वेश्चन करे यानी कंटिन्यू गेम करे। उसके बाजू में है कुकू, कुकू जो है बिट्टू के बाजू में है, नेक्स्ट टू बिट्टू इज कुकू। बिट्टू आस्क आस्क अ क्वेश्चन टू कुकू, कुकू विल यू स्टॉप जंपिंग, क्या तुम जंप करना रोकोगे? तो बिट्टू उसके जवाब में कहता है बट आई एंजॉय जंपिंग, ऐसा नहीं कहता कि मैं रोकूंगा या नहीं रोकूंगा, हाँ या ना नहीं कहता है, बल्कि क्या कहता है वो, बट आई एंजॉय जंपिंग, मैं यानी उछलने में कूदने में जो है मुझे मजा आ रहा है, मजा आता है। अब कुकू के नेक्स्ट है पैडी, ये जो पिक्चर दिए हुई इसमें बताया है कि पैडी को यानी कुकू क्वेश्चन करता है, पैडी आर यू टायर्ड, पैडी क्या तुम थक गए हो? पैडी कहता है आई एम हंग्री, यानी ऐसा नहीं कहता है मैं थका हूँ हाँ या ना, बल्कि ये कहता है आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। उसके नीचे पिक्चर है टोटो मिठू मियाँ, ये तीनों भी जो जानवर और परिंदे दिख रहे हैं ये आउट ऑफ गेम है, ये गेम में शामिल नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि हमें भी खेलने दो। मीटू मीटू ऐसा है, मिट्टू भी बोल रहा है मीटू और टोटो भी बोल रहा है मीटू, यानी हमें खेलने के लिए लीजिए, और मियाँ के समझ में आ रहा है कि ये लोग मिट्टू मिट्टू बोल रहे हैं, इसलिए मियाँ यहाँ पर मिट्टू मिट्टू कह रही है, कैट कैट का नाम मियाँ है। अब पैडी, पैडी ने भी यहाँ कहा आई एम हंग्री, तो पैडी यहाँ पर कहता है नेक्स्ट टू तारा डू यू लाइक एप्पल्स, क्या तारा तुम्हें एप्पल पसंद है? तारा कहती है आई लाइक ग्रेप्स, ये भी यानी यहाँ पर यस और नो नहीं कहती, बल्कि ये कहती है कि मुझे अंगूर पसंद है, और इस तरह से यहाँ पर ये खेल खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये खेल और ये एक्टिविटी पसंद आई होंगी, समझ में आई होंगी, तो आप इसे जो है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ब्रदर्स और सिस्टर के साथ घर में खेलिए, और इसका यानी इससे लुत्फ़ उठाइए, इंजॉय कीजिए। बाय बाय, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।